बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नेमल कुकिंग एंड लाइफ में खुश आमदीद। जी तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं मकई की रोटी की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज हम मकई की रोटी बना रहे हैं। इसके लिए हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम मकई का आटा डालेंगे। ये वाइट कलर का आटा होता है, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके का है ये। ये बेहतरीन मकई का आटा है, इसकी रोटी में मिठास होती है। अब हमने गर्म पानी लिया है, नीम गर्म पानी किया है, उससे हम इसको गूंदेंगे। और आटा हमने थोड़ा थोड़ा सा करके गूंदना है, दो दो पेड़ों का, इकट्ठा नहीं गूंदना है। इस तरह से हमने एक पेड़ा बनाना है, अच्छी तरह उसे पहले मलना है। डो तैयार करेंगे एक पेड़े की, उसके बाद पेड़ा बनाएंगे और एक एक रोटी करके हम बनाते जाएंगे। एक पेड़ा बनाएंगे, उसकी रोटी बनाएंगे, फिर दूसरा पेड़ा बनाएंगे, उसका आटा गूंदेंगे। हमने रुमाल नीचे बिछाना है, उसके ऊपर रोटी रखनी है और उसको फिर बेलना है। इस तरह से हमने उसको बड़ा करते जाना है। मकई की रोटी बनाना आसान नहीं है, इस वजह से इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल सही बनी है। अब हमने रोटी को पलटना है, इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। हमारी रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लुक आ रही है, गोल्डन कलर के फूल बन गए हैं इसके ऊपर, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। व्यूअर्स, हमारी मकई की रोटी बिल्कुल रेडी है। हमने इसको लिया है साग के साथ, साग के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है ये, इसका जोड़ ही साग के साथ होता है। अब हम आपको इसे तोड़ के दिखाते हैं, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है, खस्ता है ये देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मज़े की है, इसमें मिठास है, ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। आप भी बनाएं, मुझे फ़ीडबैक दें, मेरे तरीके से बनाएं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।